अस्सलामुअलैकुम नक्स नगर्स चैनल में आज मैं अपनी किचन बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी से चीज़ी चिकन हाफ मून पाए। इनको बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, तो चलिए हम बनाने की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने पैन ले लिया, उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया। अब मैं उसमें बारीक चॉप किए हुए प्याज हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। सबको मैं अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लूँगी। तो हमारा प्याज हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुकी है, देखिए। अब मैं इसमें चिकन का कीमा ऐड कर दूँगी और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मैं अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें कुछ वेजीज ऐड कर दूँगी, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, गाजर, नमक, ज़ीरा पाउडर, पेपर पाउडर। अब मैं इन सबको अच्छे से चला लूँगी। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूँगी जिससे हमारा जो फीलिंग है वो क्रीमी क्रीमी लगे। इसको हमने अच्छे से चला लिया है। अब मैं इसमें चीज़ ऐड करके इसे एक साइड रख दूँगी। अब मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है और उसमें मैं नमक ऐड कर दिया है। अब थोड़ा मैं उसमें चीनी ऐड कर दूँगी। पानी हमारा थोड़ा बॉईल होने लगा है। अब मैं उसमें बटर ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें मैदा ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी पानी में। इसको हमें कंटिन्यू चलाना है। ये देखिए हमारा ऐसा डो बनके तैयार हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको हल्का ठंडा करके, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है हमें, थोड़ा गर्म ही इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये जो हमारा डो है अच्छे से सॉफ्ट सा बन जाए। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। देखिए बहुत ही अच्छा सा हमारा डो बनके तैयार हो चुका है। अब इसे मैं बर्तन में रख दूंगी। अब मैं इसका अच्छे से बड़ी सी चपाती बेल के तैयार कर लूंगी। अब मैं ग्लास की हेल्प से छोटी छोटी रोटियों के शेप में से कट कर लूँगी जिससे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हाफ मून पाए जो है वो बने। तो उसे मैं कट कर लिया, बाकी जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल के हटा देंगे। फिर से हम उसका वैसे ही बनाएंगे, रोटियाँ बनाएंगे। अब मैं फीलिंग जो हमने बनाई थी वो ऐड कर दूँगी और हमने मैदे का घोल तैयार किया था उससे मैं साइड से अच्छे से पेस्टिंग के लिए लगाऊँगी ताकि हमारा जो है अच्छे से पेस्ट हो जाए। अब इसे हम दूसरी साइड में, एक साइड से लेके दूसरी साइड में इसको हम चिपका देंगे, हाफ मून का शेप दे देंगे। इसको अच्छे से हम दबा देंगे, अच्छे से दबा के इसको, ताकि फीलिंग जो है हमारी बाहर ना आए। सारे हमें ऐसे बना ले रहे हैं। अब मैं अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स की अच्छे से कोटिंग करूंगी। ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब एक एक करके इसमें हम ऐड कर देंगे। एक साइड से बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इससे अब हम दूसरे साइड से फ्राई करेंगे। बहुत ही अच्छे से देखिए फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। बहुत ही टेस्टी क्रीमी चीज़ी से हमारे चिकन के हाफ मून पाए बनके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अमेजिंग बने हैं।
और आप सभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।